आपको बता दूं, आज 29 मार्च है, हो सकता है दोस्तों बिहार बोर्ड 3 बजे तक रिजल्ट जारी कर दे। यदि 29 मार्च को आज जारी नहीं होगा दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं यह रिजल्ट या तो 31 मार्च जाएगा या तो 2 तारीख या 1 तारीख अप्रैल के महीने में जा सकता है। लेकिन दोस्तों प्रयास लगाए जा रहे हैं कि आज 29 मार्च को रिजल्ट दे दिए जाए, क्योंकि 30 मार्च को त्यौहार का मौसम है, इसलिए वो दिन तो छुट्टी रहेगी। ठीक है, तो पूरी पूरी उम्मीद है दोस्तों कि 29 मार्च आज है और आज रिजल्ट आने का पूरा पूरा अनुमान है। ठीक है, तो दोस्तों अभी तक बिहार बोर्ड ने कोई भी ऑफिशियल वेबसाइट पर लिंक शेयर नहीं किया है कि आज हम रिजल्ट देने वाले हैं, लेकिन दोस्तों हम लोग अनुमान से ही बता सकते हैं कि आज रिजल्ट आएगा कि नहीं। एक वेबसाइट है जहां पर आप लोग, ये पूरी तरह से लिंक ओपन हो चुका है, लेकिन बात ये दोस्तों कि इसका रिजल्ट देखिए, यहाँ पर जब रिजल्ट पर जाएंगे, देखिए ये अपडेट सुन लिख रहा है, यहाँ पर ये अपडेट सुन लिख रहा है दोस्तों, न्यू अपडेट सुन, यानी कहने का मतलब रिजल्ट तुरंत ही आने वाला है। लेकिन दोस्तों सचमुच आज 29 मार्च को रिजल्ट आएगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा दोस्तों। लेकिन बच्चे थोड़ा सा टेंशन में हैं कि जल्द से जल्द रिजल्ट घोषित कर दिया जाए ताकि हम लोग आगे की प्रक्रिया काम कर सके। तो मैं आपको बता दूं, यदि 29 मार्च आज रिजल्ट जारी नहीं हुआ तो 31 मार्च को जो है कि रिजल्ट जारी हो सकता है। ठीक है, और 31 मार्च को यदि जारी नहीं होता है तो यह रिजल्ट अप्रैल के प्रथम सप्ताह में चला जाएगा। ठीक है, हालांकि टॉपर वेरिफिकेशन पूरी तरह से हो चुका है, अब टॉपर वेरिफिकेशन में कोई बाकी नहीं है। हालांकि दोस्तों मैं आपको बता दूं, टॉपर वेरिफिकेशन में इस बार दोस्तों 400 जिसका 70 था, ध्यान रखिएगा 470 मार्क्स लाने वाले प्लस में उसको ही टॉपर के लिए बुलाया गया था। जिसका अभी 460 है, 450 नंबर है, उन्हें टॉपर के लिए नहीं बुलाया गया है। यानी मैं आपको बता दूं, जिनका भी रिजल्ट 94%, 95%, 96%, 97%, 98% जा रहा है, उन्हीं को टॉपर के लिए बुलाया गया है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। बहुत से बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं, टेंशन में हैं कि सर मेरा कॉल नहीं आया, है ना, मैं तो आप बना के पेपर आया था या आई थी। ठीक है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है, नंबर कम रहने के चलते आप नहीं गए टॉपर के लिए। ओके, तो अगला बोर्ड की तैयारी कीजिए। ओके, तो 29 मार्च को आज देखिए क्या होता है, से रिजल्ट जारी हो सकता है। यहाँ पर देखिए रोल कोड है, इसमें भरिएगा, यहाँ पर रोल नंबर है इसमें भरिएगा, और इस नंबर को जोड़कर इस कैप्चे में भर करके दोस्तों व्यू पर ओके कर देंगे, यहाँ से आपका रिजल्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है।